दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों ने पीएचडी नामांकन की अंतिम परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं छात्रों ने कुलपति का घेराव कर कुलपति को बंधक बनाते हुए उनके अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। वहीं कुलपति जब अपने आवास जाने लगे तो छात्रों ने गाड़ी पर हाथों से जोड़ जोड़ से पीटने लगे और गाड़ी के आगे सभी छात्र बैठ गए। इस घटना को देख कुलपति अपनी जान को बचाते हुए वापस अपने कार्यालय लौट गए। छात्रों के सोखरू प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव समेत कई अधिकारी लगभग 5 घंटों तक बंधक बने रहे। वहीं मौके पर उपस्थित विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मुख दर्शक बन तमाशे को देखती रही। वहीं जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को लगी तो सदर डीएसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचकर छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कराकर मामले को शांत किया है। बता दें कि पीएचडी नामांकन को लेकर सभी विषयों में 478 सीट पर इंटरव्यू हुए थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पैट का रिजल्ट विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया जो कि 10 तारीख को ही जारी करना था, किंतु एक महीना लेट, आज 3 तारीख को लगभग एक महीना लेट है, 3 तारीख को रिजल्ट निकाला गया है जिसमें बहुत तरह से ये लोग सेटिंग वेटिंग करके रिजल्ट निकाले हैं। इसका हम लोग को आशंका है और लग भी रहा है, इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किए हैं कि रिजल्ट को पारदर्शिता के साथ रखा जाए और सारा डाटाबेस हम लोग को दिखाया जाए कि कितना रिजल्ट हमारा है, कितना सामने वाला का है, कैसे रिजल्ट निकला है। इसी को लेकर आज भर दिन हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे। अभी हमारी वार्ता हुआ है रजिस्ट्रार साहब से, वार्ता हुआ, डीएसपी साहब सब थे वहाँ पे, उन्होंने इस बात को रखा और वो स्वेच्छता से कहे हैं कि हम इस रिजल्ट को पारदर्शिता के साथ कंपेरेट रूप में निकाल के दे देंगे सर। आज पीएचडी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, पारदर्शिता के साथ इम्तहान विश्वविद्यालय ने कराया और उतनी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, अपडेट नंबर के साथ डिक्लेयर कर दिया कितना नंबर किसको मिली। कुल मिला करके आज जो काम छात्रों के द्वारा किया गया वो नाजायज और अवैध गलत एडमिशन्स को करने का एक दबाव विश्वविद्यालय पर था। एक बड़ी योजना बना करके विश्वविद्यालय ने ये काम किया गया जिसमें धक्का मुक्की भी गार्डों के साथ की गई, मुझे बंधक बनाया गया, आपके साथ अभी बंधक क्यों मैं जा नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी से बैठ करके वापस आया, बंधक बनाया गया, विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई तो सरकारी कार्य में बाधा भी डाला। पुलिस की मौजूदगी में मैं निकला घर जाने के लिए लंच के लिए, गाड़ी में बैठने के बाद मेरी गाड़ी का घेराव कर लिया गया, चारों तरफ से उसको ठोंकने लगे लोग लड़के, फिर मुझे वापस 5 मिनट बैठ करके मैं फिर वापस चलाया ऑफिस में बैठ गया। खतरा था एक तरह से आपके पे? पूरा खतरा था भाई, अब इससे बड़ा खतरा क्या, 50 आदमी किसी को घेर ले गाड़ी के आगे लग जाए तो क्या गोली चलाएगा कोई, क्या करें आपको की जान का खतरा। आज पूरा इस तरह के जो काम किया, मेरी जान क्या, मेरे सभी साथियों की जान सुरक्षित है, हम FIR में लिख के इसको भी भेज रहे हैं।